नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पंचायत चुनाव को लेकर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, 13 नए पॉजिटिव के बाद एक्टिव केस 90 के पार। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। 20 नवंबर को 11 और 21 नवंबर को 17 नए केस मिलने के बाद आज 22 नवंबर को फिर 13 नए पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या 90 के पार हो गई है। वहीं पॉजिटिविटी दर भी 0.03% हो गई है। वहीं प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। 4.50 लाख पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, शिवराज सरकार जल्दी बढ़ा सकती है 5% महंगाई राहत। मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है, सरकार कर्मचारियों को अधिकारियों के महंगाई भत्ता 8% बढ़ाने के बाद अब शिवराज सरकार जल्द महंगाई राहत में 5% की बढ़ोतरी कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनर्स को पेंशन के लाभ मिल सकता है। इसको लेकर वित्त विभाग से प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है, जिसे जल्द छत्तीसगढ़ सरकार के पास भेजा जा सकता है। अब पूरी क्षमता के साथ खोलेंगे स्कूल, आज शाम से जारी हो सकते हैं आदेश। मध्य प्रदेश में हालातों के सुधरते ही स्कूलों को दोबारा से ऑफलाइन खोला जा रहा है। इसी कड़ी में अब स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 5वीं के छात्रों को भी स्कूल पूरी क्षमता के साथ खोलने का फैसला किया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रस्ताव भेजा गया है। संभावना जताई जा रही है कि आज शाम तक इस संबंध में आदेश जारी हो सकता है। कोरोना से मृत्यु होने पर मिलेंगे 50,000 का मुआवजा, एमपी सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जाने डिटेल। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मौत होने पर मृतक के परिजनों को 50,000 रूपए का मुआवजा दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में जिले के कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इस संबंध में कहा गया है कि मुआवजा पाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट में कोविड-19 से मौत दर्ज होना जरूरी नहीं होगा। 275 पदों पर निकली वैकेंसी, आकर्षक वेतन, जाने पात्रता सहित अन्य जानकारी। रक्षा मंत्रालय अपरेंट्स पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। योगी उम्मीदवार अप्रेंटशिप इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट apprenticeshipindia.org के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती अभियान नेवल डाक यार्ड अपेरेंट स्कूल के अपेरेंट्स के 275 पदों को भरेगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर 2021 है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जबलपुर से गुजरने वाली 2 ट्रेनें निरस्त, जानिए क्या है वजह। दक्षिण मध्य रेलवे ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण पुड्डुकुपाडू नेल्लोर स्टेशन के मध्य रेलवे ट्रैक पर भारी जलभराव हो गया है। इस कारण रेल सुरक्षा व यात्री सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए इस मार्ग से होकर चलने वाली कई गाड़ियों को 21 नवंबर से प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त कर दिया गया है। इसी कड़ी में जबलपुर से गुजरने वाली ट्रेन गाड़ी संख्या 12295 बेंगलुरु दानापुर संघमित्रा एक्सप्रेस को 21 नवंबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त कर दिया गया है। सरकार की योजना, ऐसे लोगों को अस्पताल पहुंचाने वालों को मिलेंगे हजारों रुपए। सड़क हादसे में घायल को अस्पताल पहुंचाकर जान बचाने वालों को अब इनाम दिया जाएगा, जिसमें हजारों रुपए की राशि मिलेगी। इतना ही नहीं, पुलिस उस शख्स से बेवजह पूछताछ भी नहीं करेगी। पुलिस के जागरूकता अभियान में यह बात बताई गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि केंद्र ने यह योजना शुरू की है ताकि रोड एक्सीडेंट में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर होगी कटौती, मांग घटने से कम हो रहे हैं क्रूड के दाम, जानिए आज का रेट। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने आज यानी सोमवार को भी ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। बता दें कि अक्टूबर में रिकॉर्ड महंगाई के बाद नवंबर महीने में दिवाली से पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। बजट की तैयारी शुरू, नई योजनाओं को वित्त विभाग देगा अंतिम रूप। फरवरी मार्च 2022 में मध्य प्रदेश का वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा में बजट प्रस्तुत होगा। वित्त विभाग ने इसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। सभी विभागों से 4 दिसंबर तक नई योजनाओं के प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है। इस बार वेतन के लिए प्रस्तावित राशि का 32% हिस्सा महंगाई भत्ता रखा जाएगा, वहीं वेतन के लिए 3% राशि अधिक रखी जाएगी। अब दिन में गर्मी और रात में पड़ेगी सर्दी। दिन में हुई रिमझिम बारिश के बाद रविवार को मौसम साफ रहा, इस कारण से रात और दिन का तापमान बढ़ गया। दिन में धूप खिलने से 2 दिन बाद लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम वैज्ञानिक सीके उपाध्याय का कहना है कि मौसम साफ होने के बाद अब रात का तापमान में तो गिरावट आएगी, लेकिन दिन का तापमान में 2 डिग्री बढ़ सकता है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। डेली ऐसी अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और साथ ही आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक भी करें।